अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो अभी मैंने नहा धो लिया, तो वैसे नहाँदा नहुँदा मैं कोई नहीं, ते अपना कदी कदी नहा लईदा, सर्दियाँ ने कौन नहाँदा। अच्छा, तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप सबको बहुत ज़्यादा। तो अभी मैं था बाल बना रहा, कल की खुश्की काफ़ी बालों में बढ़ गई हुई थी, मैंने कहा चलो खुश्की ख़त्म कर लें, बाल धो लें, अभी जल्दी से बात करते हैं। अभी मैं बनाने लगा था चिकन चावल, तो अल्लाह ताला से बड़ी दुआ है, आपको अल्लाह ताला ने बड़ी हैसियत में रखा हो, खैरियत से रखा होगा और आइंदा भी ज़रूर रखेगा। तो ये है कि अभी नया दिन शुरू किया है मैंने, नया व्लॉग है, तो आपसे बड़ी रिक्वेस्ट है यूट्यूब पे मुझे सक्सेसफुल कर दें, सब्सक्राइब करें, डेली मेरी देखा करें वीडियोज़, बड़ी अच्छी घरेलू सी वीडियोज़ हैं। तो आपके लिए है जी, आज है डेट 11 नवंबर 2023 है, तो शाम के अभी कुछ बज रहे हैं, ये हो गया जी टाइम 3:16 17 का कुछ। तो ये भाई हो आ गई मेरी फाइनल लुक, कंगी शंगी वाह वू के। तो वैसे किसी ने मुझे कहा था कि एक हंसना ना गाइज, आपकी बड़ी मेहरबानी है कि जनाब ये जो मेरा पफ है ना, इसमें ये बिल्कुल अजय देवी लगता हूँ मैं, क्या कहते हैं आप। तो ये आ गया हमारा चिकन आलू सब्जी साथ, और ये नींबू लहसुन, ये मैं पहुँच गया अपने घर के दरवाजे पे, तो बस लॉक खोलते हैं तो अंदर की तरफ से चलते हैं, टाइम काफ़ी हो गया, फटाफट ख़त्म करते हैं कुकिंग शुकिंग। ए वेखो गाइज, ए वेखो गाइज, जरा जहा ध्यान दाएं बाएं कीता, प्याज करीब था बिल्कुल जलने के, अभी अभी इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया ताकि इसकी जो हीट है ना वो डाउन हो जाए। और ये देखो अभी अभी उतारा है, ये चिकन चिकन धोने में लगा हुआ था, काम उधर पड़ गया, तो बस आगे कुछ करते हैं। ये भी है मेरा, इसको मैंने पहले ही बंद कर लिया था, ये चावल के लिए प्याज ब्राउन किए हैं। तो ये भाई वो आगे हमारे चावल, थोड़ा सा जो था ना ये टोटा बचा हुआ था, वो टोटा भी मैंने बीच में डाल दिया, एक मुट्ठी टोटा था। बाकी ये 360 रुपये वाले केजी चावल हैं, आप खुद बताएं कैसे हैं, अभी क्लोज में मैंने आपको दिखा दिए हैं। तो गाइस मैं पहुंच गया हूं अपनी आखिरी सिचुएशन पे, ये है मेरी आखिरी सिचुएशन, चावल बड़े अच्छे बन गए हैं। तो बीच बीच में से सीन जो था ना वो कुकिंग के बस मैं कर नहीं पाया कुछ ना, उसके लिए माजरत। तो ये जो थे ना, ये बड़ा अच्छा सा शोरबा ग्रेवी जो बनी है ना, वो ये आप चेक करें, ये बड़ी अच्छी सी ग्रेवी शोरबा बना है। थोड़ा सा सालन जो है ना वो काला सा हो गया, पर चलो चलेगा काम। तो अभी गाइस ओके, फिर बाय, कल के लिए जो कुछ भी है यूट्यूब पे मुझे सक्सेसफुल करने के लिए सब कुछ करते हैं, तो ओके बाय। ये बड़ा प्यारा एक वाइट पेयर है, बिल्कुल बिल्कुल वाइट कलर में है ये। वाइट कलर में पिजन सबसे ज्यादा खूबसूरत लगते हैं, कबूतर जो है ना इनमें वाइट कलर असली ब्यूटी शो करता है। अरे
ये बड़े प्यारे पिजेंस हैं यहाँ पे, पिच ब्लैक कलर में और वाइट हेड में, बहुत खूबसूरत है। वो पीछे वाला बहुत बड़ा पिजन है, एक फॉरेन ब्रीड है, वलैती नस्ल कोई है। उसके सफ़ेद वाला जो पीछे है, उसके पैरों में इतने बड़े बड़े पार हैं। ये ब्लैक वाले बड़े प्यारे हैं, ये वाला जो है ना। अभी सर्दी है, रात है, तो इसलिए ये बेचारे बड़े वो सेमे इकट्ठे हुए हुए हैं। ये डक्स आई हैं अभी अभी बड़ी बड़ी, भाई बोरी में से निकाल रहे हैं और वो काएं काएं कर रही हैं। बड़ी प्यारी आवाज है। बहुत प्यारी ये चीज है बड़ी वाली। गाइस बड़ी प्यारी तितरी है भाई के पास, यहाँ रावलपिंडी बोस्तान रोड कार चौक के पास शॉप है। Oh, my God.
ये ब्लैक कलर का मुर्गा बड़ा प्यारा, बिल्कुल डार्क ब्लैक कलर है इसका। और क्या आवाज आई है सड़क से, तो डार्क और इसके पाँव में वो बड़े बड़े बाल है, पता नहीं क्या नाम है इसका, कोई फॉरेन ब्रीड ही लग रही है, बड़ा प्यारा सा। वो फीमेल भी उसके साथ है, छोटी दुमो वाले हैं। और ये जो है ना